रिश्तों में और एक बात का ख्याल रखें, जैसे महाभारत का युद्ध आपने देखा होगा, शाम को जैसे ही सूरज ढल जाता था युद्ध बंद हो जाता था और उसके बाद कौरव पांडवों के वहाँ, पांडव कौरव के वहाँ जाते थे, एक दूसरों की सेवा करते थे, जो भी युद्ध में घायल हुए हैं उनको मरहम पट्टी करते थे, दवाई देते थे और सब इकट्ठा होकर खाना भी खाते थे। इसी तरह लाइफ में हमने भी कोई नियम बनाना चाहिए जिससे भी हम जुड़े हैं, हमारे बहुत करीब के जिससे रिश्ते हैं उनके साथ में भी हमने ये नियम लागू करना चाहिए कि कुछ भी हो जाए लेकिन जहाँ पर हम रहते हैं, जहाँ पर हम खाते पीते हैं, जहाँ पर हम एक साथ बसर करते हैं, वहाँ पर कुछ देर तक हमने ये डिस्कशन कर लिया, उसके बाद में उसको कैरी ना करें, बिल्कुल कैरी नहीं करना है। जैसे एक हस्बैंड वाइफ के अंदर मन मुटाव होता है, झगड़ा होता है और हस्बैंड अलग कमरे में जाके सोता है, वाइफ अलग कमरे में सो जाती है, बिल्कुल गलत करते हैं। कुछ भी हो जाए सोना साथ में ही है, एक ही कमरे में, एक ही बेडरूम में सोना है। ये नियम पहले से तय करें, शादी के टाइम ही तय कर ले कि आगे जब भी हमारा झगड़ा होगा, मन मुटाव होगा, लेकिन हम सोएंगे तो साथ में। एक दूसरे को खाना तो हमने परोसना ही है, एक दूसरे को खिलाना भी है, खाना साथ में बैठकर ही खाना है, कितना भी झगड़ा हो जाए। अगर ये छोटे छोटे इस तरह के नियम अगर हम पाले, मैं कहता हूँ डाइवोर्स कभी होगा ही नहीं, डाइवोर्स तक नौबत जाएगी ही नहीं। जब हम जीत पे आते हैं तब जाके मामला बिगड़ता है। यहाँ पर जीत नहीं, यहाँ पर त्याग करना है। क्या त्याग करना है? अपने ईगो का त्याग करना है। हमें परमात्मा ने एक दूसरे के समीप रखा, बनाया, वो उसको जरूरी लगा, उसको जरूरी लगा कि ये इसके लायक है, ये यहाँ जरूरी है, तभी हस्बैंड वाइफ बनाए, तभी भाई बहन बनाए, तभी माता पिता बनाए और एक सबको यूनाइटेड करके उसने रखा। ये उसको जरूरी लगा। और या हम समझते हैं कि नहीं, इनका जरूरी नहीं है, इनकी मेरे साथ अभी जरूरी नहीं है, मुझे ये उपयोगी नहीं है, मेरे काम का नहीं है। अरे वो गलत सोचता है क्या? परमात्मा का जस्टिस ऑलवेज एग्जैक्ट है, उसका प्लान फेल प्रूफ एंड फुल प्रूफ है। उस प्लान के ऊपर हम कमेंट करते हैं, उस पर अपना डिसीजन ठोकते हैं, नहीं मुझे इनके साथ में रिश्ता नहीं रखना। अरे भाई उसी के साथ रिश्ता रखने के लिए तो आपको यहाँ भेजा गया है, आपके कार्मिक अकाउंट सेटल करने हैं इसके लिए भेजा गया, और आप उससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो फिर अकाउंट कैसे सेटल होगा? फिर बार बार आना पड़ेगा, उसी के साथ में मेल जोल रखना पड़ेगा और किसी और तरीके से अकाउंट तो सेटल करना ही पड़ेगा। तो क्यों ना अभी चल रहा है उसी के अंदर एडजस्टमेंट करें, अंडरस्टैंडिंग रखे, थोड़ा सा लेट गो करें, थोड़ा सा ईगो साइड पे रखे। अरे हम यहाँ एक दूसरे के लिए जीना है, हमें एक दूसरे को संभाल कर जीना है, एडजस्टमेंट करना है, बच्चों का ख्याल करना है। तो ये झगड़ना और उलझना कहाँ से बीच में आ गया? छोटी छोटी बातों को पकड़ के रखते हैं। अरे सबको साथ में लेकर चलो, मेरे माँ बाप, उसके माँ बाप, उसके माँ बाप, मेरे माँ बाप, ये सब करने में टाइम मत बिगाड़ो। कुछ करके दिखाना है, कुछ बनकर दिखाना है, बच्चों के लिए कुछ मिसाल बननी है, इस बात का ध्यान दो। अरे आप देखिए, अगर बॉम्बे से अगर आपको दिल्ली जाना है तो कौन सी फास्ट ट्रेन पकड़ेंगे आप? आप कहेंगे राजधानी। भाई राजधानी पकड़ेंगे, क्यों पकड़ेंगे? जल्दी पहुंचाती है इसलिए पकड़ेंगे। तो राजधानी कितने सिलेक्टेड स्टेशन करती है? मुश्किल से 5 या 6 या 7 स्टेशन करती है, जो बड़े बड़े स्टेशन है वही करती है, छोटे स्टेशन पर तो रुकती नहीं है। तो इसी तरह लाइफ में भी है, हम जिससे जुड़े हैं उनके साथ में हमें बड़े बड़े गोल है ना, उसको कंप्लीट करने हैं, उस पर फोकस करना है, वहाँ ध्यान देना है, परमात्मा की तरफ ध्यान देना है, पूजा पाठ की तरफ ध्यान देना है, जीवन का मकसद क्या है उसकी तरफ ध्यान देना है, ना कि छोटे छोटे स्टेशन पे अटका करो। दोस्तों बिल्कुल भी नहीं है छोटे छोटे छोटी छोटी बातों पर उलझना, छोटे छोटे ये शोभा नहीं देता हमें। ये बच्चों के सामने हम क्या कर दिखाते हैं? बिल्कुल भी नहीं। ये सब बातों को ना गवारा करके हटा दो, आप इस पर उलझो नहीं, उससे रिश्ते हैं ना। कहते ना छोटे छोटे कंकर जब गिरते हैं बड़ी बड़ी दीवारें गिर जाती है, हमारे रिश्तों में ऐसी कोई कंकर मत आने दो, ना गिरने दो। छोटी छोटी बातों को आप हटाइए, प्यार से जिंदगी जिए, एडजस्टमेंट करिए, कॉम्प्रोमाइज़ करिए, एक दूसरे की वैल्यू करिए। वैल्यू करना बहुत ज़रूरी है। जब हम एक दूसरे को सम्मान देंगे सम्मान मिलेगा, और सम्मान देना बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे को अप्रिसिएट करें, अगर कोई अच्छा काम किया तो उसको धन्यवाद करें, उसको अप्रिसिएट करें, जिससे क्या होगा रिश्ता बना रहेगा।
अगर हम अच्छी तरह रिलेशन निभाना चाहते हैं, रिलेशन रखना चाहते हैं, तो पहले तो ये समझे कि वी आर नॉट एनिमल्स, वी आर जेंटलमैन पर्सन, वी आर ह्यूमन बींग। सिट अक्रॉस द टेबल और बैठकर बात करें। मैं मेरे पॉइंट्स रखूँ, सामने वाले इंसान उसके पॉइंट रखे, और कुछ पॉइंट मेरे, कुछ पॉइंट सामने वाले के, डिसाइड करें और फिर आगे जिंदगी निभाए, आगे रिश्ता निभाए। इसी तरह से करना चाहिए, ना कि हम एक दूसरे पे गुस्सा करें, एक दूसरे से आर्ग्यूमेंट करें, बिल्कुल भी रिश्ते नहीं निभेंगे, टूट जाएंगे। बहुत सावधानी रखें, रिश्ते एक बार बनते हैं लेकिन एक बार जब टूटते हैं उसमें गांठ पड़ जाती है। कभी भी रिश्तों में गांठ नहीं आने देनी चाहिए। रिश्तों के लिए संवाद जरूरी है, संवाद, आपसी कन्वर्सेशन बहुत जरूरी है, विवाद जरूरी नहीं है। विवाद से रिलेशन टूटते हैं, संवाद से दोनों की जीत होती है, विवाद से किसी की जीत नहीं होती है। विवाद ना करें, संवाद बांधे रखें। थैंक यू फ्रेंड्स।